हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजनादि, संस्कृत में व्यंजनों के बारे में। इससे पहले हम जान चुके हैं स्वर जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, और जो हमारे व्यंजन होते हैं वो हमारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, छ, त्र, ज्ञ। ये हो गए हमारे व्यंजन। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, और जो हमारे स्वर होते हैं वो बिना किसी के सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। अब ये कितने होते हैं हमारे, जो हमारे व्यंजन होते हैं उनकी पूरी संख्या 36 होती है। व्यंजन संख्या, कुल व्यंजन संख्या हमारी 36 होती है। कौन कौन सी होती है? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, श, ह, छ, त्र, ज्ञ। ये हमारे हो गए व्यंजन। धन्यवाद।